हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई धमाकेदार वीडियो में। और आज मेरे पास एक छोटी सी बुरी खबर है आप सभी के लिए, मेरे लिए तो है ही। और वो बुरी खबर ये है कि मेरे फोन का बैक कैमरा खत्म हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसी चक्कर में आपको इतने दिनों से वीडियो नहीं दिख रही थी, और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ठेस बुद्धि के फोन से बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये बुरी खबर मम्मी जी को देते हैं कि मम्मी जी, मेरे फोन का खराब हो चुका है कैमरा, आप मुझे दीजिए अब पैसे थोड़े से, क्योंकि नया फोन लेके आना है। और आज का मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है और मेरे छत के पेड़ पौधे मस्त जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर बैठी है हमारी ये भाभी। भाभी राम राम। राम राम। बढ़िया है तुम? बढ़िया है। अच्छा, और बताओ, बढ़िया है तुम? बढ़िया ही। ये दोस्तों, ये पायल, पायल खाना खा रही है पायल। और ये मेरी मम्मी है दोस्तों। मम्मी जी, मेरे पास एक बुरी खबर है। और बुरी खबर कुछ इस प्रकार है कि मम्मी जी, मेरे फोन का पीछे का कैमरा खराब हो चुका है। जिधर से खराब है वो है? पानी में दो। नहीं, ये पानी में खराब नहीं होता, ये इसकी उम्र पूरी हो गई थी बेचारी की, वो क्या करा जाए, बूढ़ा हो गया बेचारा, खत्म हो गया। तो मम्मी जी, मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांगने आया हूँ। रुको एक मिनट, रुको। इस कटोरे में कुछ पैसे डाल दो जिससे कि मैं नया फोन ले आऊं। ज्यादा नहीं, बस 1,00,000 रुपए डाल दो। हैं? डालो। 1,00,000 में कंते लाग। अगर तेरे पास 1,00,000 रुपए होता, इस कटोरे में डाल दे। तो दोस्तों, मुझसे तो मम्मी जी ने मना कर दिया कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। और आप लोगों को लगता होगा कि यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब मुझे फोन तो लेना ही है, मुझे मदद चाहिए किसी की, और वो मदद मुझे करेंगे मेरी हमारे अमित भैया। तो चलिए पहले अमित भैया के घर चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि भैया जी, मेरा फोन खराब हो गया है, मुझे एक नए फोन की आवश्यकता है, तो मुझे एक नया फोन दिलाया जाए। कहके देखते हैं एक बार क्या होता है, लेट्स सी। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ अमित भैया के घर। ये हिस्सा मेरा दुखा है बुरी तरह से, अभी उसे छुपा के रखा। दोस्तों, पैसों का इंतजाम मैंने पूरा कर लिया। दोस्तों, हमारे टिकटक बंदे का फोन खराब हो गया, और बड़े भाई होने के नाते मुझे दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लॉग बनाता है कभी कभी, इसीलिए इसके पास पैसे नहीं रहते। ये जितने पैसे कमाता है सब उड़ा देता है। दोस्तों, हमेशा पैसे सेव करके रखने चाहिए। जैसे मैंने इतने सेव कर लिए कि मैं इसको एक फोन दिला सकता हूँ, उसके बाद में हो जाऊंगा गरीब। कोई बात नहीं, फोन दिला दो भैया, हमारे बहुत अच्छे भैया है ये भैया। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा हो। फाइनली दोस्तों, नया फोन ले लिया है। कौन सा लिया वो घर पे आके पता चलेगा। तो खरा है दोस्तों, बहुत तेज, कोई बात थोड़ा संभाल के ले चलियो है। रुकी थी करिए, चला नहीं जा रहा, लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है पेट में। हेलो दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है और मैं कल फोन तो ले आया था, पर मैंने किसी को दिखाया नहीं था कि मैं कौन सा फोन लेके आया हूँ और क्या लेके आया हूँ, आपको भी नहीं बताया मैंने। तो चलिए सबको फोन दिखाते हैं कौन सा फोन है, और आप लोग भी गैस करो कौन सा फोन हो सकता है, सैमसंग और आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो दोस्तों, इस वाले बैग में रखा है मेरा फोन, इस थैले में, मतलब। अभी तक तूने मेरा नया फोन नहीं देखा ना? आया तो दिखाऊ, आया वो, आजा। ये तूने भी मेरा नया फोन नहीं देखा ना? आया तो फिर। दोस्तों, यहाँ पर मेरी मम्मी जी सब्जी बनाने के लिए प्याज और लहसुन काट रही हैं। तो मम्मी जी, आपने मेरा नया फोन देखा है? अच्छा, पापा जी आपने भी मेरा नया फोन नहीं देखा ना? नहीं। तो आया फिर, आप बताओ पापा जी काय का फोन होगा? तो चलिए मैं आपको अपना, चलो आपको मैं मेरा नया फोन बताता हूँ कौन सा फोन है मेरा, ठीक है? आप लोग भी गैस करो दोस्तों कौन सा फोन है। तो मेरा फोन आप सभी के सामने आने वाला है, क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हो मेरा नया फोन देखने के लिए? अच्छा दोस्तों, मैं भी आपको दिखा देता हूँ मेरा नया फोन। मेरा नया फोन है ये, अभी दिखा दो, मैंने अभी दिखाया, अभी तो नहीं है, मैंने हाथ रख रखा है पूरे पर। तो मेरा फोन है ये सैमसंग S24 अल्ट्रा। चलो तो फिर अनबॉक्स कर दो इसी बात पे। ये हमारी पलक बहन है, अनबॉक्स कर रही है। चंदा मामा जी नमस्कार, यहाँ से छोड़ा, यहाँ से ध्यान दे, तू ध्यान दे, इस वाली जगह से छुड़ाना, इस वाली जगह से। दोस्तों यहाँ पर लड़ाई हो चुकी है, चल इसको वो करते स्विच ऑन। सैमसंग का है, सैमसंग का फोन है, सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी।
ये फोन ठंडा ही रहता है। देखो देखो इसमें ये पेंसिल है, ये वाली चाइना का नाम है, मम्मी सैमसंग का फोन है। अरे पेंसिल ऐसे काम नहीं करती ये वाली, इसके बहुत सारे फीचर होते हैं। अरे पागल है तू, हाथ में लिख रही है। देखो दोस्तों एप फोन के पेंसिल से अपने हाथ में लिख रही है, उसमें कुछ अक्षर थोड़ी लिख जाएंगे, स्याही थोड़ी है उसमें। जो दूर तक बोला हां तो ऐसे ही आते हैं इसमें। तो दोस्तों यहां पे पहला फोटो खींच रहा आ रहा है मेरे फोन से। कैसा फोन है पायल? मस्त है। अच्छा तू बता भाई कैसा फोन लगा तुझे भाई? मम्मी जी अच्छा है और नहीं ठीक है, पापा उम्मीद जी आपको पता है इस वाले फोन से चांद दिखता है जूम करके। अरे इससे दिखता है फोन से और नहीं आंखों से बात नहीं कर रहा मैं। हाँ चंदा मामा इस फोन से दिख जाते हैं चंदा मामा। हाँ ये दोस्तों मेरे फोन का चार्जर की डाटा केबल, चार्जर मुझे अलग लेना पड़ा, उसमें भी डाटा केबल आई है, बहुत बड़ी डाटा केबल आई है 1 मीटर की। तेरी लंबाई से ज्यादा बड़ी तो डाटा केबल है ये वाली, देख ले जा। ठीक है खड़ी होइयो, तू खड़ी होइयो, खड़ी तो हो जा। देखो दोस्तों पायल से भी पायल की लंबाई से भी बड़ी डाटा केबल है मेरी। दोस्तों ये दोनों तो पागल होंगे इस फोन को देखते ही। देखो दोस्तों एक दिन मैं भी ऐसा फोन लूंगी। अच्छा क्या? चलो फोन लाए पहले पूजा करो भगवान को। अच्छा चलो दोस्तों भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान फोन को सही सलामत रखना। चलो तो दोस्तों अभी हम फोन को लेके जा रहे हैं मंदिर में, लो चढ़ा दो, दिखा दो भगवान जी को। दोस्तों अभी पूजा तो हो चुकी है, अभी समय है प्रसाद बांटने का, तो अभी प्रसाद देने जा रहा हूँ अनामिका के घर पे। मैं नया फोन लेके आया, लो बहन अनामिका प्रसाद खाओ। क्या तूने 16 प्रो मैक्स देखा है? चल तो देख ले, देख 16 प्रो मैक्स, देख ले 16 प्रो मैक्स कैसा होता है। क्या का फोन है? सैमसंग का फोन है बेटे, इससे चांद दिखा दूंगा चांद। देखो भाई मेरा नया फोन कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। जाते चंदा मामा देख सकते हैं, बताओ दिखाए चंदा मामा। रात को दिखाऊंगा, रात को होने दो, दिन में कहाँ से दिखेगा चंदा मामा। आप मेरा सैमसंग का नंबर ले लेना, मैं फोटो खींचती हूं जाते। ओके जूम करके खींचूंगा ठीक है तेरे मामा के, हैं तो चांद बनाऊंगा तुझे। नहीं तो ऐसे ही जैसे हूं। ओके ठीक है, आज कैसे तू बोल रही है? क्या तुमने मेरा नया फोन देखा है? हाँ आईफोन 60 प्रो मैक्स लाए हैं। ए तू पहले प्रसाद खा, इले तू पहले प्रसाद खा, पहले प्रसाद खा। अब देख फोन देख मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स देख, तू देख आईफोन 16 प्रो मैक्स। ये तो सैमसंग है, सैमसंग का ही फोन है, इसमें देख पेंसिल भी है। देख टीवी में देखो जाके चांद देखता है। आज से तो रोज रात को चांद दिखाऊंगा, डोंट वरी तेरे फोटो खींचूंगा ठीक है। ओके मेरे भी फोटो खींचना, मेरी भी हां तीनों के फोटो खींचूंगा, तीनों के ताई का भी फोटो खींचूंगा। ताई तो आ जाइए दोस्तों, बच्चा कोटा प्रसाद बांटने चलते हैं। आया दोस्तों अभी हम चलते हैं ठेसुद्दी के घर, पुराने जमाने की बुलेट। सॉरी यहां पे दोस्तों हमारा ठेसुद्दी आश्रय दोस्तों, साथ में आईफोन 16 प्रो मैक्स ले रहा हूं पता है, 24 अल्ट्रा। ठीक है ला फिर 500 अभी हम जा रहे हैं हमारी निशा भाभी जी के घर पे, उन्हें प्रसाद देने अपना अपना नया फोन दिखाऊंगा, उन्हें सबको अपना सैमसंग का नंबर दे के आऊंगा ठीक है। आप भी मेरा सैमसंग का नंबर सेव कर लेना ठीक है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भाभी जी के घर पे, तो आ जाइए पलटन, आ जाओ आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ सारे। यहाँ पर है दोस्तों हमारी भाभी जी, राम राम भाभी। आप प्रसाद खाइए पहले, अरे प्रसाद लाओ प्रसाद लाओ, अब प्रसाद लो सबको दे देना ठीक है। ये तो पूछ लो काय का प्रसाद है, धन्यवाद धन्यवाद, काय का फोन है ये तो पूछ लो, आई फोन है। ए भाभी तुम्हें किसने बताया? देखो मेरा नया फोन दिखा दूं तुम्हें, आर यू एक्साइटेड? ठीक है तो देखो दोस्तों मेरा नया फोन पीछे से देखो कैसा लग रहा है, इसकी जूम क्वालिटी चंदा मामा को देख सकती है पर अफसोस ये भैया को नहीं देख सकती। तुम्हें चंदा मामा दिखाऊंगा रात को ठीक है, इससे जूम करके कैसा लग रहा है मेरा नया फोन बताइए। अच्छा है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी हमें दोबारा चाचा बनाने के लिए, इन्हें बुआ बनाने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन देखो तो
सचम को भी दो। सचम मतलब पसाद खाओ तुम, साथ करो दोनों दोनों। किसका है पूछो? तूने जय उधर करी नहीं भाभी, तुम्हें पता है मेरे फोन में पेंसिल है, पेंसिल। अच्छा? देखो ऐसे खींचो, खींचो खींचो आराम से, खींचो प्यासते। पेंसिल है देख लो मेरे फोन में, लिखो यहाँ पे, खींचो अपना नाम, लिखो अपना नाम, लिखो भाभी का ऑटोग्राफ मिलेगा दोस्तों। कैसा है? सभी यहाँ पे लिख के देखेंगे, अपना 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 नाम लिखो, चलो सभी यहाँ पे प्यार से लिखियो। पर ए, क्या लाऊं? असल मामा से लेना, माँ से। दोस्तों इस सबका सबके नाम आ चुके हैं मेरे पास, इन सबको किडनैप करना है, ठीक है? इन सबको फोटो खिंचाना है। अब मैं आओ, हाँ और हाँ, आप सभी मेरा सैमसंग का नंबर ले लेना, ठीक है? दोस्तों पायल और अनाम का कही अब ये ड्रीम फोन बन चुका है, ये कह रही हमें आईफोन नहीं चाहिए, हमें सैमसंग चाहिए, ये कह रही है इतने पैसे कमाऊंगी सैमसंग का फोन लेके आऊंगी। ये जिंदगी है बस एक से एक लाख। वो तो इतने कमाने ना भाई, मैं तो बहुत सारे फोन कमाने हैं। मिल जाएगा हमें ऐसा। तू क्या फोन लेके आएगी? सैमसंग का। दोस्तों सभी का, दोस्तों सभी का सैमसंग का मन बन चुका है दोस्तों, कोई आई फोन नहीं ले रहा। ड्रीम फोन है, ड्रीम फोन है, ड्रीम फोन, ड्रीम फोन। अब सैमसंग है ड्रीम फोन। अच्छा अब सैमसंग ड्रीम फोन क्यों है? अच्छा इसकी क्वालिटी भी बढ़िया, इसका कैमरा भी बढ़िया, लुक भी बढ़िया है इसका, पेंसिल भी बढ़िया है। हाँ, पढ़ने के लिए काम आएगा, पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ने दिखने के लिए। ओ दोस्तों देखो फोन पढ़ने दिखने के लिए काम आएंगे। क्या हो गया? टाटा बाबा टाटा, टाटा बाबा टाटा, टाटा टाटा बाबा हैं, टाटा बाबा। दोस्तों अब ये बोलने लग गया थोड़ा थोड़ा। हेलो कांग्रेचुलेशन, बताइयो बताइयो बताइयो, ठीक है? तेरी बताइयो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। पूरी वीडियो देखना अच्छी बात है, मगर वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक ना करना, कमेंट ना करना और अपनी राय ना देना, ये बहुत बुरी बात है। तो कृपया करके आप इस चीज को, अपनी को संभालिए। नमस्कार। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करना है।